वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम चेंजर 2.0। और ये बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर 3 है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जीवों में विविधता का ये पार्ट 4 है। इसके पहले आपका पार्ट 3 हो चुका है। तो पार्ट 3 तक आपने क्या पढ़ा था कि जो आर.एच. व्हिटकर जी थे, उन्होंने 5 जगत वर्गीकरण के बारे में बताया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक। तो उन सब के बारे में हो गया था। हमको प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ना है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांटी यानी पादप के बारे में, ठीक है। पादप के जितने भी पार्ट हैं उनको पढ़ेंगे। तो उसके पहले आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा, देखिए पादप जो पादप हैं, तो पादप शरीर बिना विभेदन के और विभेदित पादप शरीर। तो जैसे आपको पादप के अंतर्गत 5 पढ़ना है, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा और एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, ठीक है। यही 5 आपको पढ़ना है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, फिर उसके बाद में टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। यही आपको प्लांटिक के अंतर्गत इन्हीं 5 के बारे में आपको पढ़ना है। तो जो आपका पहला था कि मतलब क्या है कि पादप जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक पादप शरीर जो होता है उसमें कोई भी विभेदन नहीं होता है, ठीक। और ये जो विभेदित पादप शरीर होता है इसमें विभेदन तो होता है, लेकिन एक बिना संवहनी ऊतक के होता है और एक संवहनी ऊतक सहित होता है, ठीक। तो पादप जो है विभेदन के आधार पर 2 प्रकार के हो गए। एक वो पहला जो पादप शरीर में बिना विभेदन यानी इसमें ना कोई जड़, ना कोई तना, ना कोई पत्ती का कोई विभेदन नहीं होता है, ठीक। और ये विभेदित पादप शरीर ये भी 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक बिना संवहनी ऊतक के यानी इसमें कोई संवहन ऊतक, कोई जाइलम, कोई फ्लोएम नहीं पाया जाता, और ये संवहनी ऊतक सहित। तो जो बिना विभेदन का है उसके अंतर्गत कौन आ रहा है, थैलोफाइटा। विभेदित पादप शरीर में जो बिना संवहनी ऊतक के अंतर्गत है उसके वो उसमें कौन आ रहा है, ब्रायोफाइटा। और संवहनी ऊतक सहित में देखिए कौन आएगा। अब संवहनी ऊतक सहित में भी ये 2 प्रकार के हो गए, ठीक। एक बीज रहित हो गया और एक बीज उत्पादित करने वाले, ठीक। एक बीज रहित और एक बीज उत्पादित करने वाले। तो जो बीज रहित यानी जिसमें जो बीज रहित है यानी कि जिसमें बीज पाया जाता है, तो उसके क्या कहेंगे, टेरिडोफाइटा। सॉरी, बीज रहित का मतलब होता है जिसमें नहीं पाया जाता, ठीक। तो टेरिडोफाइटा में बीज नहीं पाया जाता। और बीज उत्पादित करने वाले के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, एक आएंगे नग्न बीजी और एक फलों में बंद वाले बीज। एक नग्न बीजी बीज रहेंगे और एक फलों में जो बंद रहते हैं वो बीज। तो जो नग्न बीजी होंगे उसके अंतर्गत कौन आएगा, जिम्नोस्पर्म। उसके अंतर्गत कौन आएगा, जिम्नोस्पर्म। और जो फलों में बंद वाले, बंद बीज वाले होंगे उसके अंतर्गत कौन आएगा, एंजियोस्पर्म। अगर आप ये इतना समझ लेंगे तो आपको जो इसके अंतर्गत जो इस चीज़ को पढ़ना है उसका व्यू तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एंजियोस्पर्म, अब एंजियोस्पर्म में भी देखिए 2 प्रकार के होते हैं। एंजियोस्पर्म भी कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है। एक 2 बीज पत्री वाले बीज और एक एक बीज पत्री वाले बीज, द्वि बीज पत्री और एक बीज पत्री, यानी जिसमें 2 बीज पत्र वाले बीज को द्वि बीज पत्री कहते हैं। जैसे देखे, जैसे चना होता है ना, चना आप देखते हैं तो चना ऊपर से जो छिलका रहता है, अगर उस छिलकों को आप छील लीजिए, जो चना है वो 2 भाग में अपने मन से बढ़ जाएगा, यानी कि उसमें चने में 2 दालें होती हैं, 2 दालें होती हैं, चना हो गया, मटर हो गया, जितने भी दलहन हैं ये आपके क्या है, द्वि बीज पत्री, ठीक। ये आपके क्या है, द्विबीजपत्री। और जितने भी जैसे गेहूं हो गया, तो देखो गेहूं खुद से 2 भाग में नहीं बटा होता है, धान
ठीक है, गेहूँ धान हो गया, और भी ऐसी कई चीज़ें हैं। ठीक, तो वे क्या होती है, एंजियोस्पर्म में दो प्रकार के, एक द्विबीजपत्री वाले बीज पत्र होते हैं, तो उसे हम द्विबीजपत्री कहते हैं। ठीक है, और जो एक बीज पत्री वाले बीज होते हैं उन्हें एक बीज पत्री कहते हैं। तो आपको प्लांटिंग के अंतर्गत इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक बार हम इसको छोटा करके दिखा देते हैं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको बना सके। ठीक, ये है आप। ठीक है, और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं इसको आपको थोड़ा अच्छे से दिखा दे रही हूँ। देखिए, पहले आप इतना बनाइए। ठीक, यहाँ तक आपने बना लिया होगा, यहाँ तक का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आप यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर यहाँ से यहाँ तक का ले लीजिए। ठीक, तो ये आपका हो गया। तो सबसे पहले आपने अभी क्या देखा कि ब्रायफाइटा, पहले क्या आपने पढ़े, आपने क्या पढ़ेगा, सॉरी, आप पहले क्या पढ़ेंगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेल्डोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो देखिए, कुछ चीज़ें हैं कि जैसे पादप जगत या प्लांटी का जो वर्गीकरण है वो किन लक्षणों के आधार पर किया गया है। तो पादप जगत को निम्नलिखित चार लक्षणों के आधार पर पांच उपजगतों में विभाजित किया गया है, यानी बांटा गया है। तो वो चार लक्षण कौन कौन से हैं, तो शारीरिक या संरचनात्मक जटिलता के आधार पर। ठीक है, अब प्लांटी है, प्लांटी में कई प्रकार के पौधे होंगे, तो उनकी शारीरिक और संरचनात्मक जटिलता तो उसमें रहेगी ही। ठीक, दूसरा क्या है कि जल व अन्य पदार्थों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतकों का विकास, इसमें जल और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए विशिष्ट प्रकार के ऊतक पाए जा रहे हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम। जैसे जल के लिए जाइलम, ठीक है, भोज्य पदार्थों के लिए भोजन, सॉरी, फ्लोएम। तो इसके वजह से। तीसरा क्या है, क्योंकि इसमें क्या है, बीज धारण करने की क्षमता का विकास है। और चौथा क्या है कि इसमें फल बनने की क्षमता है। तो इन्हीं चार लक्षणों के आधार पर पादप जगत को पांच प्रभागों में बांटा गया है, या उपभागों में बांटा गया है। ठीक, किस किस आधार पर, पहले शारीरिक या संरचनात्मक जटिलता के आधार पर, जल व अन्य पदार्थों के संवहन के विशिष्ट ऊतकों के विकास के आधार पर, बीज धारण करने की क्षमता के विकास के आधार पर, फल बनने की क्षमता के आधार पर। ठीक, तो हम पांच जगत में जो बांटा गया है उसमें से आपका सबसे पहला क्या है, थैलोफाइटा। क्या है थैलोफाइटा? तो देखिए, थैलोफाइटा में अभी आपने क्या पढ़ा कि थैलोफाइटा जो है वो बिना विभेदन का है। ठीक, तो बिना विभेदन यानी कि उसमें जड़, तना, पत्तियां ये सब नहीं होंगी। तो देखिए, इन पादपों में जड़, तना व पत्तियां नहीं होती हैं, इसी कारण इसके शरीर को क्या कहते हैं, थैलस। आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये कोई पादप जगत का है, आपको लगेगा कि कोई छोटा सा जीव होगा। ठीक, कोई छोटा सा जंतु होगा। लेकिन क्यों क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि इनके शरीर में ना तो जड़ होता है, ना तो तना होती है, और ना ही पत्तियां होती हैं। इसी कारण इनके शरीर को थैलस, या हिंदी में हम क्या कहते हैं, सुकाय। क्या कहते हैं, सुकाय, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए, इनमें ऊतकों का विभेदीकरण नहीं होता, यानी इसमें ऊतकों का विभेदीकरण नहीं होता, जिसके कारण कोई अंग नहीं बन पाता है। फिर ये मुख्यतः जल में ही पाए जाते हैं। ये कहाँ रहते हैं, जल में पाए जाते हैं। इस वर्ग के पौधों को शैवाल कहते हैं। इस वर्ग के पौधों को क्या कहते हैं, शैवाल, जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, कारा आदि। ठीक, अब देखिए, ये देखिए, इस चित्र में आप देख रहे होंगे, ये क्या है, यूलोथ्रिक्स। तो यूलोथ्रिक्स में कहीं भी आपको जड़, तना, पत्ती, अरे ये सारी चीज़ें कहीं दिखाई दे रही हैं, नहीं दिखाई दे रही हैं। ठीक, कहीं भी आपको नहीं दिखाई दे रही। तो इसमें क्या है, हरित लवक है, इसमें केंद्रक है, सॉरी, ठीक है, हरित लवक है, केंद्रक है,
और ये किसी आधार से चिपके हुए रहता है, किसी बेस से चिपके हुए रहते हैं। ये आपका क्या है? यूलोथ्रिक्स। इसमें कहीं भी जड़ तना पत्ती नहीं है, इसलिए एक थैलस यानी सुकाई के आकार का दिखाई पड़ता है। ठीक। फिर दूसरा क्या है? स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा ये सूत्री मतलब इस तरीके से कुछ रहता है, और इसमें हरित लवक और केंद्रक इसमें भी पाया जाता है। इसमें भी कहीं पर भी आपको जड़ तना पत्ती नहीं दिखाई देंगी। फिर उसके बाद में ये क्लेमाइडोमोनास है। अब देखिए इसमें कसाब पाया जाता है जिसकी वजह से गति करते हैं। ठीक। इसमें संकुचनशील रीतिका पाई जाती है जो कि इसके लिए आवश्यक जल और खाद्य पदार्थ को इसके अंदर ले लाने और ले जाने का काम करती है। केंद्रक, केंद्रक इसका अनुवांशिक पदार्थ है। हरित लवक क्योंकि ये पादप जगत का है। ठीक है। फिर इसमें पाइरेनोइड कुछ विशेष संरचना होती है। तो इस तरीके से देखते हैं हमको इसमें कहीं भी कोई जड़ तना पत्ती नज़र नहीं आ रही है। ठीक। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया थैलोफाइटा। आपने क्या पढ़ा? और एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि आपको इसमें से एक चित्र कोई बनाना है, आप चाहिए बना लीजिएगा, चाहिए चाहिए जो आपको सही लगेगा आप बना लीजिएगा। ठीक। और एक चीज़, जितना भी आप पढ़ेंगे, ठीक, जैसे आपने क्या पढ़ा थैलोफाइटा, तो थैलोफाइटा के अंतर्गत कौन आता है ये आपको याद होना चाहिए। कौन आता है? यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, कारा, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो आपका थैलोफाइटा हो गया। फिर यानी थैलोफाइटा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शैवाल आते हैं। ठीक। अब दूसरा आपको क्या पढ़ना है? ब्रायोफाइटा। क्या पढ़ना है? ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा, तो इनका शरीर थैलोफाइटा से अधिक विकसित होता है। इस इनका शरीर थैलोफाइटा से अधिक विकसित होता है, और इसमें तना पत्तियों जैसी संरचनाएं भी पाई जाती है। तना और पत्तियों जैसी, देखिए ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, तना और पत्तियों जैसी संरचनाएं पाई जाती है, ना कि जड़। ठीक है। तना और पत्तियों जैसी संरचनाएं इसमें पाई जाती हैं। फिर देखिए इसमें क्या होता है, जड़ तो होता नहीं है, तो जड़ के स्थान पर मूलाभास होता है। मूलाभास यानी राइजोइड्स। ठीक है। राइजोइड्स होते हैं जो मृदा से जल व लवणों का अवशोषण करते हैं। अभी आपको दिखाते हैं। मूलाभास यानी बाल जैसी संरचना महीन महीन होती है। फिर अगला क्या है कि इनके शरीर में अवशोषित जल व अन्य पदार्थों के संवहन के लिए कोई विशिष्ट ऊतक नहीं होते हैं, यानी कि इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता है। ठीक है। पत्ती तना तो पाया जाता है लेकिन जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है, बल्कि इसमें जल और लवण का अवशोषण कौन करता है? जड़ के स्थान पर मूलाभास होते हैं जो मृदा से जल व लवणों का अवशोषण करते हैं। इसमें कोई जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता कि विशिष्ट संवहन ऊतक के लिए कोई जाइलम फ्लोएम पाया जा रहा है। देखिए ब्रायोफाइट्स पाए कहाँ जाते हैं? आपने थैलोफाइटा को पढ़ा कि ये जल में ही पाए जाते हैं, अब ब्रायोफाइट्स कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ब्रायोफाइट्स नम एवं छायादार स्थानों पर, नम यानी जहाँ थोड़ा नमी रहेगी, थोड़ी जल की मात्रा रहेगी वहाँ, और छायादार मतलब छाया हो स्थान, वहाँ पर छायादार स्थान पर पाए जाते हैं। इसी कारण इन्हें पादप वर्ग का उभय सर, यहाँ पर उभय चल रहेगा, इसलिए इन्हें पादप वर्ग का उभयचर यानी एम्फीबियंस ऑफ प्लांट वर्ल्ड। अब देखिए क्यों कहा जाता है उभयचर का मतलब होता है जो जल और स्थल दोनों में रह ले। तो देखिए जल यानी जब जहाँ नमी रहेगी वहाँ जल तो रहेगा ही, तो ये जल में भी रह लेते हैं, और छायादार यानी कि स्थल यानी धरती, ठीक है, जहाँ पर जल ना हो वहाँ पर भी ये रह लेते हैं। तो उभयचर का मतलब कहा जाता है, उभयचर का मतलब होता है जो जल और सूखे और जल दोनों में रह ले, तो ये दोनों स्थानों पर रह लेते हैं, इसीलिए ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट वर्ल्ड भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपका मॉस यानी फ्यूनेरिया, रिक्सिया, मार्केंसिया आदि आते हैं। ठीक। अब देखते हैं, ये देखिए
देखिए ये क्या है, रिक्सिया। ये किसी चट्टान से ऐसे चिपकी हुई संरचना होती है, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से देखिए संरचना रहती है, मूलाभास। अब देखिए ये मार्केंसिया है, इसमें पत्ती आपको दिख रही होगी, तना टाइप का दिख रहा होगा, लेकिन कहीं भी जड़ नहीं पाया जाता है। इसी में छोटी 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 इस तरीके की संरचना के क्या होते हैं, मूलाभास होते हैं। अब देखिए आप मांस यानी फ्यूनेरिया में देख लीजिए कि इसमें क्या है कि पत्ती है, तना है, मूलांग यानी मूलाभास है। तो इसी में युग्मकों भित्त का निर्माण होता है, ये इसी के द्वारा ये जल और लोड़ों का अवशोषण करते हैं। तो आप इस चित्र को बना लीजिएगा, ये ज़्यादा सही पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। वैसे आप कोई भी बना सकते हो, बट ये बनाएंगे तो आपका ज़्यादा सही रहेगा। तो इसमें देखिए जड़, तना और पत्तियां तो पाई जाती हैं, लेकिन जड़ नहीं पाया जाता। जड़ के जगह पे मूलांग यानी मूलाभास पाया जाता है, जिसे हम रॉजेट्स भी बोलते हैं। इसी के द्वारा जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है, ठीक। ये नम और छायादार दोनों स्थानों पर रह सकते हैं। इसके अंतर्गत रिक्सिया, मार्केंसिया, मास, ठीक है, यानी फ्यूनेरिया, ये सारे जंतु तो आते हैं, सॉरी पौधे आते हैं। फिर तीसरा आपका क्या है, टेरिडोफाइटा। तीसरा आपका क्या है, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में पी साइलेंट है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका ये गलत लिखा है, स्पेलिंग गलत नहीं है, पटेरिडोफाइटा अगर वैसे पढ़ेंगे, लेकिन पी साइलेंट है तो इसलिए टेरिडोफाइटा। तो पहला क्या हो जाएगा कि इस वर्ग के पादपों में जड़, तना तथा पत्तियां स्पष्ट होती हैं। जड़, तना और पत्तियां तीनों स्पष्ट रूप से पाई जाती हैं, ठीक। फिर देखिए दूसरा कि इसमें संवहन ऊतक में जाइलम और फ्लोएम दोनों ही अल्प विकसित होते हैं। संवहन ऊतक इसमें होता है, लेकिन जाइलम फ्लोएम जो दोनों होता है वो अल्प विकसित होते हैं, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं। जो जल व अवशोषित पदार्थों को जड़ से पौधों के दूसरे भागों में संवहन करते हैं, ठीक है, होते हैं बट कम विकसित होते हैं। तो लेकिन इनमें पुष्प व फल, पुष्प फल व बीज नहीं बनते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया था, बीज रहित। ना टेरिडोफाइटा को आपने देखा था, बीज रहित यानी इसमें पुष्प फल व बीज, देखिए पुष्प से क्या बनेंगे, फल बीज, ठीक है। तो ना तो पुष्प फल व बीज नहीं होते हैं, तो इसमें कौन कौन आएगा, फर्न आएगा, स्लेजनेला आएगा, लाइकोपोडियम आएगा, इक्विसिटस आएगा, मार्सेलिया आएगा, हॉर्स टेल। देखो ये उसमें आपने भी ब्रायोफाइटा में मार्केंसिया पढ़ा है, और ये क्या है, मार्सेलिया। दोनों में काफी अंतर है, तो इसमें देख लीजिए ध्यान से, इसमें क्या पाया जा रहा है, जड़, तना, पत्तियां स्पष्ट होती हैं, ठीक, लेकिन जाइलम फ्लोएम जो संवहन ऊतक होता है दोनों पाए जाते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, अल्प विकसित होते हैं, और ये ही जल और अन्य पदार्थों का अवशोषण करके एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाते हैं, और इसमें पुष्प फल व बीज नहीं बनते हैं, ठीक। इसके अंतर्गत फर्न, स्लेजनेला, लाइकोपोडियम, इक्विसिटस, मार्सेलिया, हॉर्स्टल आदि आते हैं, ठीक। तो ये आपका है, देखिए ये आपका क्या है, फर्न है, ये आपका क्या है, फर्न है, ये आपका स्लेजनेला है, ये आपका लाइकोपोडियम है, ये आपका एक्वेसिट्स है, ठीक है। तो इसमें देखिए जड़, तना, पत्तियां आपको सारी चीजें दिख रही हैं, ठीक है, ये पत्तियां हैं, ये तना है, ये जड़ टाइप का है, ठीक है। इसमें देखिए ये सारी चीजें ना, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं, बस इसमें फल, फूल और बीज नहीं बनते हैं। अब एक चीज़ आपको और देखना है, दो जो बचा है उसको मैं कल बताऊंगी, लेकिन इसमें से एक चीज़ लिखा हुआ है आपका, क्रिप्टोगैमस पौधे। क्रिप्टोगैमस पौधे किसे कहते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, जब थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में भ्रूण क्या होते हैं, नग्न होते हैं। भ्रूण यानी एम्ब्रियो जो होता है, जिससे पौधे का विकास होता है, वो क्या होते हैं, नग्न होते हैं। तो इन्हें स्पोर या बीजाणु कहते हैं। इन समूहों के पौधों में जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं, यानी कि जो जनन अंग है अप्रत्यक्ष होते हैं, हमको दिखाई नहीं देते हैं, इनमें बीज व फल नहीं बनते, इसलिए इन पौधों को क्रिप्टोगैम पौधे भी
कहते हैं, इसलिए इन पौधों को क्रिप्टोगैमस पौधे भी कहते हैं। देखिए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, यानी अभी तक जो आपने तीनों पढ़ा, उन तीनों में क्या होते हैं, भ्रूण, यानी जिससे किसी चीज, किसी पौधे या किसी जंतु का निर्माण होना शुरू होता है तो उसे हम भ्रूण यानी एम्ब्रियो कहते हैं। तो इसमें बहुत ही छोटे होते हैं जिसे हम देख नहीं सकते हैं सामान्य आँखों से, तो इसे ही हम स्पोर या बीजाणु कहते हैं। और इन तीनों पौधों में क्या होता है, इन तीनों प्रकार के पौधों में जननांग यानी जो जनन करने के लिए जनन अंग होते हैं वो अप्रत्यक्ष होते हैं, हमको दिखाई नहीं देते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, इसमें बीज और फल नहीं बनते हैं। तो इन पौधों को हम लोग क्या कहते हैं, इसीलिए इन पौधों को हम लोग तीनों को मिला के क्रिप्टोगैमस भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपसे क्रिप्टोगैमस किसे कहते हैं तो आप बताइएगा कि टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा तीनों को मिलाकर ही उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैमस, क्योंकि इसमें भ्रूण जो होता है नग्न होता है, बीजाणु उसमें पाए जाते हैं और इसमें जननांग जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष होते हैं, इसमें फल और बीज नहीं बनते हैं, इसलिए इसको हम क्रिप्टोगैमस पौधे भी कहते हैं। ठीक, तो आज ये आपका तीन, आपने हम सोचा दोनों ज़्यादा, दोनों कर देंगे तो ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने दो कल बताऊँगी। ठीक है, तो आप सभी एम चेंजर 2.0 चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और वॉच किया कीजिए। ठीक है, और कमेंट भी कीजिए जो होगा। और देखिए, 12 के भी क्लास चलेंगे, थोड़ा टाइम चाहिए, चलेगा 12 का भी क्लास चलेगा, सब क्लास चलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।